हाय फ्रेंड्स, एनपीसीसी नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहाँ पर निकल के आता है कि ये एक वन ईयर का जॉब है, अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये एक वन ईयर का जॉब है जहां पर फ्रेशर्स एलिजिबल है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हो तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 23 दिसंबर को ही ये रिक्रूटमेंट आई थी एनपीसीसी की तरफ से। एक मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, एक साल के लिए आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है। ये आपको एज ए एक्सपीरियंस आगे बहुत काम आएगा। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीसीसी इज इन अर्जेंट नीड ऑफ 3 साइट इंजीनियर्स चाहिए इनको सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग रख रहे हैं, 3 सिविल इंजीनियरिंग की इनको रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन साउथर्न जोन रहने वाला है और कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा, इन 4 लोकेशन में से कहीं पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो आप आराम से किसी भी स्टेट में आप मूव कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 3 पोस्ट है टोटल, 2 अनरिजर्व्ड है और 1 ओबीसी के लिए है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहने वाला है और 33,750 की आपकी सैलरी रहेगी। ध्यान रखना ये आपका बेसिक पे है, इसके ऊपर अलाउंसेस दिया जाएगा आपको। इन्होंने मेंशन किया है कि इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिल जाएगा। तो आपको सैलरी लगभग 55,000 to 60,000 देखने के लिए मिल जाएगी। बैचलर इन इंजीनियरिंग मांगा है, यानी कि डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कंपलसरी है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। एड्रेस यहाँ पर कंप्लीटली दिया है, आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हो। बेंगलुरु का लोकेशन रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए। 11 जनवरी को आपको बेंगलुरु में वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि 2 PM से पहले पहले ही आपको एंट्री दी जाएगी, 2 PM के बाद अगर आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल कंडीशंस की, पढ़ लेना, नॉर्मल सा है। और इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये PDF डाउनलोड करके ये लास्ट के पेजेस को प्रिंट कर लेना, क्योंकि ये आपको फिल करके लेके जाना पड़ेगा। इसमें आपका फोटो, नेम, ये सब क्वालिफिकेशन सब आपको, और अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप इंटरव्यू राउंड में DV राउंड के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स आपको लेके जाना पड़ेगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, फ्रेशर्स को ले रहे हैं, ये एज ए अप्रेंटिसशिप नहीं ले रहे, आपको 1 साल का कंप्लीट फुल टाइम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।